हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विक्रम। आज अनबॉक्सिंग करेंगे हम एक कार, स्टील उसका कुछ नाम है, RC 2.4G सीरीज है। देख लीजिए, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका फिक्सर है को फॉरवर्ड बैक लाइट रोटेटिंग राइट स्टॉप लाइट। अब इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आपको। देख लीजिए, ऐसा मॉडल है। अनबॉक्सिंग करके और टेस्टिंग करके आपको पूरा दिखाऊंगा। ओके, और इसके साथ एक और अनबॉक्सिंग करेंगे हम आज, ये वाला, ये रिमोट कंट्रोल जैसी भी है, ये अनबॉक्सिंग करेंगे। इसको भी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। इसका नाम है ट्रक फॉर चैनल RC ट्रक का। देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा मॉडल है। दोनों आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। अभी रिमोट कंट्रोल है दोनों। ओके, पहले कौन सा अनबॉक्सिंग करूं? पहले कार अनबॉक्सिंग करेंगे हम। अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा पूरा। ओके, ओपन कर लेता हूं। बाहर निकालना डब्बे से। डब्बे से बाहर निकाला, कैसा दिख रहा है आपको? ये इसका चार्जिंग का केबल है, चार्जिंग करने के लिए बैटरी। इसका रिमोट है। दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चैलेंजिंग द लिमिट वर्ल्ड रेसिंग कार। ये इसका रिमोट है। अभी इसको पहले निकाल देता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने बाहर निकाल लिया है कार को। कैसा है देख लीजिए, ऐसा सॉकर थंपिंग भी है इसमें। बहुत ही अच्छा मॉडल है इसका। टायर वगैरह बहुत अच्छा दिया हुआ है, बॉडी भी अच्छा ही है। स्टैंडर्ड मॉडल है ये, मैंने खरीदा 3000 का ये। अब इसको बैटरी चेक करेंगे, इसके अंदर है कि नहीं है। बैटरी इसके अंदर ही है, अपन क्लिप लगाया हुआ नहीं है। ये चार्जेबल बैटरी दिया हुआ है इसके अंदर, चार्जिंग लगा सकते हैं। फिटिंग कर दूंगा क्लिप। क्लिप लगा दिया। इसके अंदर हमने बैटरी फिटिंग कर दिया है। अभी ऑन ऑफ बटन है, ऑन कर दिया, इसमें लाइटिंग भी आ रहा। इसके बाद इसमें बैटरी डालेंगे रिमोट के अंदर। रिमोट के अंदर दो बैटरी सेट है, नॉर्मल सेल अपना। इसमें दो बैटरी लगा दिया। इसके बाद गाड़ी इधर रख दिया, फिर देखेंगे ऑन। इसमें रिमोट में भी ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, देख लीजिए। बहुत ही अच्छा, स्पीड वगैरह बहुत फास्ट है। कैसा लगा आपको इसका रिमोट है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, मेरे को तो बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड मॉडल लगा। इस
इसमें पीछे पीछे की साइड में अपना एक्स्ट्रा व्हील्स दिया हुआ है, पीछे नंबर प्लेट है, रेसिंग कार टाइप दिया हुआ है, 360 डिग्री रोटेट भी होता है, कैसा भी घुमाना 360 डिग्री भी घूमता है। ओके, इसके बाद में अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे जैसे भी मॉडल इधर रख देंगे साइड में, इसको ऑफ कर देंगे थोड़े टाइम के लिए, इसको भी ऑफ कर देंगे। अभी हम लेके आए ये वाला जैसे भी, इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद जैसे भी वर्सेस कार फाइट कराएंगे, फाइट में कौन जीतता है देखेंगे। जैसे भी को हमने ओपन कर दिया, इसके अंदर भी चार्जिंग दिया है, चार्जिंग केबल है चार्जिंग करने के लिए, इसके अंदर चार्जेबल बैटरी दिया हुआ है। देख लीजिए कैसा लग रहा है, रिमोट दिया हुआ है, ये रिमोट है इसका। जैसे भी निकाल रहा हूँ अभी, पूरा पैकिंग आता है, अपन फिटिंग पे दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छे से पैकिंग किया हुआ आता है, कार भी बहुत अच्छे से पैकिंग किया था, ये भी अच्छे से पैकिंग किया हुआ है। डब्बे को रख देंगे साइड में, देख लीजिए छोटा है जैसे भी, बहुत ही अच्छा है, डेंजर। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। इसमें ये कुछ कंट्रोलिंग नहीं है मेरे हिसाब से, सिर्फ इसमें फ्रंट बैग ही है, फ्रंट बैग राइट लेफ्ट है, इसमें दूसरा कुछ नहीं है। बैटरी डालेंगे अभी, इसमें अभी हमने बैटरी डाल दिया है, ऑन ऑफ बटन है, ऑन कर दिया, ठीक है, इसे रख देंगे। इसके बाद में रिमोट में बैटरी डालेंगे, बैटरी डाल दिया। इसको आपको दिखाएंगे चला के, चल नहीं रहा, बस ये किधर ऊपर आता नहीं चल रहा इतना कुछ खास, क्योंकि ये ऐसा दिया हुआ है घास के जैसा, इसके लिए इसके ऊपर नहीं चल रहा है ये तो। इस घास में छोटे टायर में लिया है मैंने, फेल हुआ मेरे हिसाब से। इससे तो अच्छे से घूम रहा व्हील्स, ऊपर उठा है तो खतरनाक व्हील घूम रहा अभी, देख लीजिए घास है इसके लिए इसमें नहीं चल रहा है। ओके, बहुत छोटा जैसे भी है इसके लिए नहीं चल रहा है। थोड़ा बहुत इसको पीछे लेने के बाद तो आ जाता ऐसा है, देखिए थोड़ा धक्का मारा, हिल रहा है, नहीं चल रहा घास इसके लिए, नहीं चल रहा। इसको रोटेट करना है तो रोटेट भी होता, कौन से भी साइड में रोटेट करना है तो कर सकते हैं, रोटेट कर दिया। कुछ भी आइटम लेना है वो भी नीचे कर सकते हैं, ये वाला भी नीचे कर सकते हैं, उसके बाद उठा सकते हैं, उसको साइड भी ला सकते हैं, कौन सी भी साइड लाना वो साइड ला सकते हैं। ओके दोस्तों, इस दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, कार अच्छा लगा या ये। फिर अभी इसमें से ये तो काम नहीं कर रहा, तो भी एक बार ट्राई करेंगे इसको,
कार इसको पीछे लेके जाती है, नहीं लेके जाती, आगे रख दिया। बहुत फास्ट है, आराम से लेके जा रही इसको। लाइट आ रहा है उसमें, आगे नहीं आ रहा। देख लीजिए इसको, तो खींच के लेके जा रहा है। देखो जैसे भी को खींच के लेके जा रहा है गाड़ी, और जैसे भी का रिमोट आगे पीछे करेंगे कुछ भी नहीं हो रहा, लाइट आ रहा सिर्फ बस। आगे पीछे हो रहा, इतना कैपेसिटी नहीं है इसमें। इसमें तो है बहुत अच्छा कैपेसिटी है, देख लीजिए। दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा? एक बार थोड़ा बहुत भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके। ओके बाय, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में।